हेलो स्टूडेंट्स, आज 5 सितंबर 2018 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन और करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और आज के करंट अफेयर का PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? साइप्रस के साथ। साइप्रस के साथ 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग पर और दूसरा पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? काले धन को सफेद बनाना, इसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो साइप्रस के साथ हुआ है 2 समझौता। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, प्रेसिडेंट है निकोस अनास्तासियादेस, करेंसी का नाम है यूरो। अब यहाँ पे एक चीज जान जाइए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 सितंबर को 3 देश के दौरे पे निकले हैं। कौन कौन से देश? साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य। तो फिलहाल वो अभी साइप्रस में है। अब तीनों देश के बारे में जान जाइए। साइप्रस के बारे में जान गए, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, प्रेसिडेंट है रूमेन रादेव, प्राइम मिनिस्टर है बोयको बोरिसो, करेंसी का नाम है लेव। चेक गणराज्य की कैपिटल है प्राग, प्रेसिडेंट है मिलोस जमन, प्राइम मिनिस्टर है आंद्रेस बेबिस, करेंसी का नाम है कोरुना। जो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विदेश के दौरे पर जाते हैं और जिस देश के दौरे पर जाते हैं उन देश के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिस देश से भारत का कोई भी संबंध नया नया बनता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स में अक्सर पूछते रहता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में भीड़ और वाहन प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली में मूव साइक्लोथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में जान जाइए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर होता है, हमेशा चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। इस वक्त कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है इस वक्त? राजीव कुमार। CEO अमिताभ कांत हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट GK का PDF वहाँ पे आपसे डेली शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 सितंबर को भारत और किस देश के बीच 5 दिवसीय डायरेक्टर जनरल लेवल की 47वीं मीटिंग नई दिल्ली में शुरू की गई है? किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल लेवल की मीटिंग है, इसमें DG बोलते हैं उसको। इसमें कौन कौन मीटिंग में शामिल हो रहा है, मतलब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारतीय BSF महानिदेशक KK शर्मा और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मोहम्मद शफीनुल इस्लाम, इन दोनों के बीच ये वार्ता हो रहा है। ये चीज इन दोनों का नाम याद रखिएगा। अब बांग्लादेश के बारे में जान जाइए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ की करेंसी का नाम है टका। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आयोजित RSL खारक्यू अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज का मिश्रित युगल और पुरुष के युगल का खिताब जीत लिया है? ठीक है, किस देश में? यूक्रेन में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, अब मिश्रित युगल में किसने जीता है? अनुष्का पारिक और सौरभ वर्मा। और पुरुष युगल में कौन जीता है? कृष्ण प्रसाद गर्गा और ध्रुव कपिला ने। ठीक है, लिख दिया हूं, देख लीजिए। अब यह यूक्रेन आंसर है, यूक्रेन के बारे में जान जाइए। कैपिटल है क्यू, प्रेसिडेंट है पेट्रो पोरोशेंको, प्राइम मिनिस्टर है वोलोदोमिर ग्रोइसमैन और करेंसी का नाम है हिरुनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आरिफ रहमान अलवी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के? पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान में अभी तक राष्ट्रपति पद खाली था, खाली नहीं था मतलब उस पर एक केयरटेकर राष्ट्रपति थे ममनून हुसैन, अब फाइनल एक राष्ट्रपति चुना गया है आरिफ रहमान अलवी। ये कौन से राष्ट्रपति हैं? 13वें राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जो कि हाल ही में चुने गए हैं, करेंसी का नाम है रुपया। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें राष्ट्रपति हैं और आरिफ रहमान अलवी 13वें राष्ट्रपति हैं। ये 22वें प्रधानमंत्री हैं, सॉरी 22वें ये प्रधानमंत्री बने इमरान खान और 13वें राष्ट्रपति आरिफ रहमान अलवी। और ये दोनों के दोनों एक चीज कॉमन है, PTI पार्टी से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से हैं ये दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? रंजन गोगोई होंगे, ठीक है। रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 को मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लेंगे। फिलहाल में कौन है? दीपक मिश्रा है। दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ही है, ठीक है। अब एक चीज और जानिए, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 30 न्यायाधीश हो सकते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। प्रेजेंट टाइम में 24 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सितंबर को दक्षिण कोरिया के चांगवान में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2018 में ओम प्रकाश मिथरवाल ने 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। यह खेल कहां पर हो रहा है? दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान जाइए। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट है मून जे इन, प्राइम मिनिस्टर है ली नाक योन, करेंसी का नाम है वोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने गंभीर बीमारी लिस्टेरिया, ठीक है, लिस्टेरिया, ये एक या जो है ज्यादा हो गया है उसको मैं कट कर दिया, लिस्टेरिया या फिर लिस्टेरियोसिस, दोनों में एक कोई नाम हो सकता है इसका, लिस्टेरिया या लिस्टेरियोसिस के अंत की आधिकारिक घोषणा की है? किस देश ने? दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी थी। ये किस बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया का नाम नीचे लिख दिया हूं, देख लीजिए, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस इस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और ये किस कारण से फैलता है? दूषित भोजन खाने से यह बैक्टीरिया शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से लिस्टेरिया नामक बीमारी हो जाती है। और ये ज्यादातर किस में होता है? बच्चों में ही होता है। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान जाइए। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है, 3 कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रीटोरिया, ज्यूडिशियल कैपिटल है ब्लूमफोंटेन और लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नगर उंटारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बंसीधर नगर रेलवे स्टेशन नाम रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह स्टेशन किस राज्य में है? झारखंड में है यह स्टेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। झारखंड के सीएम है रघुवर दास, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची, लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट की संख्या 6, विधानसभा सीट की संख्या 81, बेतला नेशनल पार्क, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी के सभी झारखंड में है, ठीक है। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य झूमर, छऊ, संथाल डांस और सरहुल। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो छऊ और झूमर है, ये दोनों, झूमर बिहार और झारखंड में लोक नृत्य होता है दो राज्यों में, और ये जो छऊ आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में होता है। संथाल डांस केवल झारखंड में होता है और सरहुल डांस जो होता है केवल झारखंड में होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, काकाडू कप 2018 किस देश की नौसेना ने जीता है? भारत की नौसेना ने जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। काकाडू बहुपक्षीय युद्धाभ्यास कहाँ चल रहा था? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, लिख दिया हूं नीचे, देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। और इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से कौन सा युद्धपोत भाग लिया था? INS सह्याद्री, इसका भी नाम याद रखना है। इस युद्ध में यानी युद्धाभ्यास में कितने देश भाग लिए थे? 27 देश भाग लिए थे। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। इतना चीजें आपको याद में रखनी है, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नकद रहित ट्रांजैक्शन के लिए ATM कार्ड और डेबिट कार्ड की जगह QR कार्ड सेवा शुरू की है? किस बैंक ने? नया नया बैंक खुला ही है, IPPB, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसने ATM कार्ड और डेबिट कार्ड की जगह QR कार्ड सेवा शुरू की है, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? हाल ही में 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO सुरेश सेट्ठी हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
यह क्यूआर कार्ड जो है पासवर्ड या पिन की जगह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर काम करता है। यह था हमारा आज का करंट अफेयर, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 120 मिलियन यूरो लोन देने की घोषणा की है? जर्मनी ने, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। दूसरा था, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर था, इसका भी सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है इसका उल्लेख? दोनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक आपके पीडीएफ पे है, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट जीके का पीडीएफ डेली अपलोड करता हूँ टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जुड़ सकते हैं।